ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है बफर। उसमें टॉपिक आ रहा है आइसोटोनिसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन, इस पर डिस्कस किया था ऑलरेडी, इस पर एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में होता क्या है। देखिए आपका क्या है कि हर बफर सॉल्यूशन का अपना कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन होता है, और अगर बफर सॉल्यूशन हम किसी अपने बॉडी के लिए अगर कोई ड्रग ऐसा बना रहे हैं जैसे ऑइंटमेंट है या आई ड्रॉप है या इंजेक्शन है जो हमारे ब्लड में जाएगा, तो उसके लिए तो हमारे इसका कंसंट्रेशन यानी टोन, खुद वर्ड आता है टोन, टोनिसिटी मतलब टोन, टोन का मतलब कंसंट्रेशन, यानी इस ड्रग का यानी इस बफर का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर होना चाहिए। मान लिया हमारा ब्लड है और ये हमारा क्या है बफर, तो कंसंट्रेशन हमारा जो है टोन ब्लड के बराबर होना चाहिए। और ब्लड में क्या होता है 0.9% NaCl, ठीक है, या 0.9% W/B NaCl के बराबर होता है, यानी हमारे जो ब्लड की टोन होती है टोनिसिटी होती है वो क्या होती है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर, यानी 0.9 ग्राम नमक लेके पानी में घोल दो तो जो बनेगा वो क्या है हमारा 0.9% NaCl, अब इतना के बराबर होता है। तो अगर हम बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, बहुत सीधी सी बात समझिए, अगर हम बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं और बफर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% के बराबर है तो दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक। बफर सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक। अगर जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसका कंसंट्रेशन 0.9% से कम, यानी यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% से कम है, दिस इज द हाइपोटोनिक। हाइपो माने कम, और अगर कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है दिस इज हाइपरटोनिक। क्लियर हो गया? यानी हमारा जो बफर सॉल्यूशन है वो तीन प्रकार का होता है, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। अगर 0.9% NaCl के कंसंट्रेशन के बराबर है तो आइसोटोनिक, कम है तो हाइपोटोनिक, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक। और हमारा पर्पस क्या होता है बनाने का? हमको आइसो चाहिए, ना हाइपो चाहिए ना हाइपर चाहिए, हमें आइसो चाहिए। तो अब हम अगर बात करें कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे मेथड टू डिटरमाइन आइसोटोनिसिटी, अगर हमको ये पता करना है कि कैसे हम पता करें कि हमारे जो सोल्यूशन हमने बनाया है बफर का उसका पीएच कितना है, तो उसको पता करने के दो मेथड होते हैं, बताया था आपको ना। पहला मेथड होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, दिस इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक मेथड, एंड दूसरा हमारा होता है हीमोलिटिक मेथड, याद आया? ठीक है, तो दोनों मेथड में हम क्या करते हैं, तो क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, तो अब ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दोगे तो ये सब प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, क्या करते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड में, इस मेथड में हम ये करते हैं कि हमारा जो ये बफर सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है, ठीक है, जो हमने बनाया है हमको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, और दूसरा वाला जो हमारे पास स्टैंडर्ड, एक हमारे पास स्टैंडर्ड होगा, एक हमारे पास टेस्ट होगा, तो अगर ये 0.9% NaCl स्टैंडर्ड है और ये हमारा बफर जिसको हमको चेक करना है, तो हम दोनों के कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट को, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को, दोनों के वेपर प्रेशर को, इन सबको आपस में कंपेयर करें। क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें स्टैंडर्ड का अपने टेस्ट वाले बफर के साथ, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये आइसोटोनिक है, कम आ गया तो हाइपो, ज्यादा आ गया तो हाइपो, यानी ये एक तरीका होता है जिस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन कैसा है, ठीक है, हमारा सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है कि नहीं है, इसको चेक करने का ये मेथड, ठीक है। दूसरा हीमोलिटिक मेथड आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सोल्यूशन है, हमारे पास तीन सोल्यूशन हम रख लेते हैं, तीन सोल्यूशन लेने के बाद तीनों में एक एक आरबीसी सेल डाल देते हैं, हीमो मतलब ब्लड, एक एक आरबीसी सेल डाल देते हैं। अगर देखो आपको पता है कि जो हमेशा ऑस्मोसिस पढ़ा है आपने, डिफ्यूजन पढ़ा है, तो जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से कहाँ होता है, लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टूवर्ड द लो कंसेंट्रेशन। इस मेथड की हम बात करें तो हीमोलिटिक मेथड में क्या हो रहा है, हीमोलिटिक मेथड में अगर यहाँ बाहर भी 0.9% है और अंदर भी 0.9%
तो ना अंदर से मूवमेंट बाहर होगा ना बाहर से मूवमेंट अंदर होगा, यानी इस आरबीसी के सेल के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक, यानी अगर आरबीसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो उसके कंसेप्ट उसके शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका ये 0.9% बाहर है, सॉरी अंदर जो हमारा आरबीसी 0.9 है और बाहर हमने माना कि ये 1.5 है, कुछ भी है 0.9 से ज्यादा है, अब कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है, हाई सेल हो जाएगा, यानी यहाँ के जो सॉल्यूट पार्टिकल है सॉल्वेंट है कहाँ जाएंगे, अंदर आरबीसी के अंदर, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाएंगे और आरबीसी का साइज फूल के क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो आरबीसी का नॉर्मल साइज था फूल क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी सोल्यूशन हमारा कैसा है, हाइपर, यानी अगर हम हाइपरटोनिक रखेंगे तो आरबीसी फूल कर बड़ा हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ 0.9 आरबीसी का और हमने कहा रखा 0.5, यानी कुछ ऐसा सोल्यूशन जो उससे कम है, तो अब हाई से लो, अब ये कंसंट्रेशन कम है तो बाहर निकलेगा, अभी अंदर जा रहा था बाहर निकलेगा, और ये साइड सेल जो है चिपक के ऐसा हो जाएगा, यानी इसे कहते हैं हाइपर। तो ये एक दूसरा मेथड है कैसे निकालेंगे हेमोलिटिक मेथड में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में अगर सेल अपने नॉर्मल साइज में है तो आइसोटोनिक, सेल स्वेल कर रहा है बड़ा हो रहा है तो हाइपरटोनिक, और सेल पिचक के छोटा हो रहा है श्रिंक कर रहा है, तो ये दो मेथड है जिस मेथड के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। छूने तो काम नहीं करता, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसी में, मेथड टू एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। अब आपको पता चल गया कि जो हमारा सलूशन है वो जो हमने बफर बनाया है, ठीक है, ध्यान सुनिए, हमको ये मालूम चल गया कि वो आइसोटोनिक है कि हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक। अगर हाइपो और हाइपरटोनिक है तो हमको उसमें एडजस्टमेंट करना है उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए। ये वही मेथड है, हेडिंग है कि कैसे हम किसी भी पीएच के आइसोटोनिसिटी को सेट करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी बंदर वाली, है ना, और उसमें क्या था कि दो बिल्ली थी पूसी और कबरी, उसने रोटी एक तोड़ चुराई दोनों ने मिलके, तो फिर आधी आधी तोड़ के रोटी बांटने लगे तो बंदर आया, तो एक में ज़्यादा टूट गई एक में कम थी, तो बंदर कहा ऐसा रुपया मैं न्याय करता हूँ, तो जिसके तरफ ज्यादा टूटी थी उसने उसमें थोड़ा सा निकाल के खा लिया बंदर में, कहा लो अब बराबर हो गया, तो वो वाली बोली नहीं हमारा छोटा बड़ा छोटा हो गया उसका ज्यादा बड़ा है, तो कहीं ऐसा रुको, फिर बंदर थोड़ा उसमें थोड़ा खा लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ कर खाते 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 पूरी रोटी बंदर खा गया, लड़की उस वक्त में लड़ती, यानी थोड़ा सा तोड़ के और जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते, समझो दो तरीके होते हैं, बहुत सिंपल तरीका समझो। मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है और वो 0.9% NaCl के बराबर है तो आइसोटोनिक है, अगर कम है तो हाइपोटोनिक है, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक। बहुत आसान तरीका, अगर 0.9% से मान लो कम है 0.8 है 7 है 6 है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम, हाइपोटोनिक में अगर थोड़ा सा जितना नमक कम है उतना नमक तौल किसी में डाल के हिला दे तो बन नहीं जाएगा, भाई हमको 0.9 ग्राम नमक होना चाहिए, 0.6 ग्राम पड़ा है 0.3 ग्राम तौल लो उन्हें डाल के ग्लास रॉड से हिला दो बन गया सोल्यूशन। यानी एक तरीका तो ये है कि अगर हाइपोटोनिक है तो नमक डाल दो, और अगर हाइपरटोनिक है तो क्या डालोगे, पानी डाल दो, है ना, आसान तरीका, एडजस्ट कर सकते हैं, बस यही है, एकदम सिंपल सा मेथड है। अब इसका मेथड समझिए, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तीन मेथड होते हैं। क्लास 1 को क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहते हैं या इसको सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है मैंने बताया कि किसके लिए करते हैं, फॉर हाइपोटोनिक के लिए, अगर कोई हमारा सोल्यूशन हाइपोटोनिक है उसके लिए हम करते हैं, तो उसमें क्या करना है कि इक्विवेलेंट अमाउंट यानी 0.9% NaCl के ऊपर आने के लिए जितना कम पड़ रहा है उतना नमक तौल के कंटेनर में डाल के उसको ग्लास रॉड से मिला दो, आपका सोल्यूशन रेडी। समझा, पहला मेथड इजी है बहुत, क्या करना है हमको इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ानी है क्योंकि वही तो घटा है। अच्छा, दूसरा वाला व्हाइट विंसेंट मेथड, ये हमारा होता है फॉर हाइपरटोनिक के लिए, हाइपरटोनिक यानी सॉल्यूशन का कंसेंट से ज्यादा हो गया है, तो इसका तो और सिंपल तरीका है, पहले पानी कम था इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा दो, हमको पहले कैलकुलेट करेंगे ना इसका फॉर्मूला होता है, इसका डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, इसे पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, उसमें क्या होता है कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से कितना पानी डालने पर एडजस्ट होगा, कंसेंट्रेशन जब सॉल्यूशन पढ़ लोगे तो खुद ही सीख जाओगे।
ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम पानी डाल देंगे, बढ़ा देंगे, सोल्यूशन बराबर हो जाएगा। भाई सब्जी में नमक का, तो नमक डालते हो ज्यादा है तो डाल के पानी बढ़ा देते हो, थोड़ा सा मिला देते हो, थोड़ा सा सेट हो जाए। ठीक है, तीसरा वाला जो है क्लास थ्री, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एडजस्टमेंट मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं और दूसरे वाले सोल्यूशन का भी क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट चेक। और अगर मान लीजिए हमारा कोई फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो उसमें कम है फ्रीजिंग पॉइंट, तो थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे, जब नमक डालते रहेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, और तब तक डालेंगे नमक जब तक इसके इसके बराबर हो जाए। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, कब तक डालेंगे, जब तक घट के इसके बराबर ना हो जाए। यानी इन दोनों में काम वही करेंगे, डालेंगे NaCl और पानी ही, लेकिन किसके द्वारा, किसको कंपेयर करते हुए, फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारे तीन बहुत सिंपल से मेथड है, और आपके IPC का ये चैप्टर जो है एसिड बेस और बफर पूरी तरह से खत्म। ठीक है, ये पूरी तरह से खत्म हो, क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट। मान लीजिए कि हमने माना कि हमारा स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने मान लिया कि ये चलो मान लिया कि -8 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमने बनाया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने माना कि 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, तो कौन ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा है। अब हमको क्या करना है, खटा के हाथ ले आना है, तो हम नमक डालना शुरू कर देंगे तो घटता चला जाएगा। और अगर बढ़ाना होता, अगर मान लीजिए हमारा -4 होता, अब उसको हमको बढ़ाना पड़ता, बढ़ाने के लिए हम क्या पानी डालना शुरू कर देते, कुल मिला के दोनों तरफ से करके हमको इसके फ्रीजिंग पॉइंट उसके बराबर आ जाएगा, मतलब हमारा टॉनिसिटी सेट। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। चलिए।